हेलो एवरीवन, मैं मोनिका पुनिया स्वागत करती हूँ आप सभी का डिलीजेंट एसएससी यूट्यूब चैनल के ऊपर। आज की जो हमारी वीडियो है वो एसएससी सीपीओ से रिलेटेड है। एसएससी सीपीओ 2024 की आप लोगों को बहुत ज्यादा टेंशन थी, क्या हमारी भर्ती नहीं आएगी, नोटिफिकेशन टाइम से रिलीज नहीं हुआ तो क्या अब आएगा नहीं आएगा, कैसे होगा, कौन कौन सी चीजें कैसे की जाएंगी। तो आपको ये भी बताऊंगी नोटिफिकेशन कब आएगा, जो ऑफिशियल आप लोगों के लिए एक टाइप से होगा कि ऑफिशियल ये मैं आप लोगों को बताऊंगी कब आएगा। उसके बाद में तैयारी कैसे करनी है वो भी बताऊंगी और साथ साथ में तैयारी करवाऊंगी भी अपने साथ में। मैं डेली स्टडी प्लान देके आप लोगों को जो अपनी तैयारी है वो करवाऊंगी भी। अगर आप एक एसएससी सीपीओ के एस्पिरेंट हो तो ये वीडियो डेफिनेटली आप लोगों के लिए काम आएगी और उसके साथ साथ में आप लोगों को सिलेक्शन देने में भी हेल्प करेगी। अगर आप मेरे बारे में नहीं जानते हो तो मैं थोड़ा सा बता देती हूँ। नाम मोनिका पुनिया है, हरियाणा से मैं रहने वाली हूँ और मैं सीपीओ 2019 के थ्रू दिल्ली पुलिस में सेलेक्ट हुई थी और फिलहाल मैं दिल्ली पुलिस में एज ए सब इंस्पेक्टर सर्व कर रही हूँ। तो अभी हम बात करते हैं, सबसे पहली बात आप लोगों की सीपीओ का नोटिफिकेशन क्या कब आएगा। जो सीपीओ का नोटिफिकेशन है उसकी 15 फेब रिलीज डेट थी कि नोटिफिकेशन आप लोगों का आ जाएगा, लेकिन उससे अलग एक और नोटिफिकेशन आना था सिलेक्शन पोस्ट का और उसकी जो रिलीज डेट थी वो 1 फेब थी। 1 फरवरी को रिलीज होना था और वो अभी 2 दिन पहले आप लोगों का रिलीज हुआ है, तो मतलब लगभग 1 महीना उसको डिले कर दिया गया है जो आपका नोटिफिकेशन था। तो आप लोग सीपीओ के लिए भी डेफिनेटली एक गुड न्यूज इसको समझ के चल सकते हो, क्योंकि उसका नोटिफिकेशन रिलीज हो गया तो बहुत जल्दी आपका एसएससी सीपीओ का जो नोटिफिकेशन है वो भी रिलीज हो जाएगा। एसएससी सीपीओ का नोटिफिकेशन अगले 10 दिन के अंदर अंदर आप लोगों को देखने को मिल जाएगा और अपनी जो तैयारी है उसके लिए आप लोगों को अब जी जान लगानी होगी। पहले आपको नोटिफिकेशन की चिंता थी, अब तो नोटिफिकेशन भी आने वाला है। और जितने भी लोग होते हैं ना जो नोटिफिकेशन आने के बाद तैयारी करने लगते हैं, मैंने हार्डली ही देखा है किसी का सिलेक्शन होता है। अगर नोटिफिकेशन के बाद ऐसा ही हो गया कि पेपर ही 4 साल बाद हुआ तो वो बात अलग होती है, लेकिन नोटिफिकेशन आने के बाद बहुत कम टाइम आपके पास में होता है और आपको जो तैयारी होती है वो टाइम से अपनी करते हुए चलना होता है। तो बहुत सारे लोग हैं जो मेरे साथ में भी तैयारी कर रहे होंगे ऑलरेडी, जो कुछ ऐसे भी हैं जो अभी तक अपने आप कर रहे थे या कुछ और कर रहे थे और वो अच्छे से अपनी तैयारी करना चाहते हैं। तो अभी मैं आप लोगों के लिए एक गुड न्यूज है कि मैं फ्री स्टडी प्लान, सब लोग सुन लो, अभी भी फ्री स्टडी प्लान है ये आप लोगों के लिए, टेलीग्राम के ऊपर मैं लॉन्च कर रही हूँ। टेलीग्राम का नाम है डिलीजेंट एसएससीएन या मोनिका पुनिया, दोनों ही चीजें लिखी हुई है। मैंने कुछ भी आप सर्च करोगे आपको टेलीग्राम के ऊपर मिल जाएगा वो। 142,000 समथिंग सब्सक्राइबर है, मतलब 1,42,000 समथिंग उसके ऊपर सब्सक्राइबर्स हैं। आप उसको जाके फॉलो कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। वहां पे आपको क्या मिलेगा, डेली स्टडी प्लान्स मिलेंगे आपको, जो अपना डेली का टारगेट होगा वो। इसके अंदर 2 महीने लगभग 70 दिन का आप लोगों के लिए मैं स्टडी प्लान लॉन्च कर रही हूँ। वैसे मैं कोशिश करूंगी जब तक आपका एग्जाम होगा तब तक आपको इसको कंटिन्यू करवाऊं, तो लगभग 70 से 80 दिन का ये स्टडी प्लान होगा। इसके अंदर जो मेरी सबसे मेन टारगेट होगा वो होगा कि आप लोगों की रिवीजन करवाई जाए और प्रैक्टिस करवाई जाए। कॉन्सेप्ट्स आप लोगों ने बहुत सारे ऐसे होंगे जिन्होंने पढ़ लिए होंगे लेकिन रिवीजन नहीं कर पाते हैं और प्रैक्टिस नहीं कर पाते हैं, और कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद भी आप लोगों का स्कोर नहीं होता, वो सिर्फ एक ही रीजन होता है कि आपने कॉन्सेप्ट नहीं पढ़े हैं। आपको कंप्लीट एक बार पूरा सिलेबस कंप्लीट करवाऊंगी। उसके अंदर बेसिकली आप ऐसे नहीं कर सकते कि आप किसी टीचर से अब 20-20 क्लास ले रहे हो और उसके बाद में आप उस टीचर से पढ़ पाओगे। इस टाइम के अंदर सिर्फ आप ऐसे कर सकते हो कि कुछ एक दो टॉपिक अगर आपके बचे हुए हैं तो वो कर लोगे, अदरवाइज सारे कॉन्सेप्ट को रिवाइज कर लोगे और उनके क्वेश्चन आप लोग डेफिनेटली प्रैक्टिस कर लोगे। तो एक बार पूरा सिलेबस कंप्लीट कराऊंगी, एक बार फिर से रिविजन, मतलब 2 रिविजन आप लोग बोल सकते हो, 2 बार आप लोगों से प्रैक्टिस करवाऊंगी, ऐसा कुछ ये प्लान होने वाला है। हर एक सब्जेक्ट की एक एक चीज मैं आप लोगों को प्रोवाइड करूंगी। तो इस प्लान के अंदर जो हम यूज करेंगे, जो रिसोर्सेज हम यूज करेंगे वो थोड़ा सा बता देती हूँ। प्लान स्टार्ट कब से होगा वो भी लास्ट में मैं बता दूंगी, ताकि आप लोग तब तक अपने जो रिसोर्सेज हैं वो आप लोग जुटा पाओ और जिस दिन हमारा प्लान स्टार्ट हो उस दिन आप लोग मेरे साथ में लग के जी जान से अपनी मेहनत कर पाओ। तो सबसे पहली बात, सबसे पहली चीज जो मुझे चाहिए होगी वो होगे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस का कंपाइलेशन आपके पास में होना चाहिए। इंग्लिश और मैथ्स का तो बहुत जरूरी है, वो तो होना ही होना चाहिए। उससे अलग बाकी 2 सब्जेक्ट्स का अगर नहीं भी होगा तो भी काम चल जाएगा। बाकी मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगी कि 4 सब्जेक्ट का हो, इंग्लिश मैथ का सबसे जरूरी है। प्रीवियस ईयर का कंपाइलेशन किसी भी आप पब्लिकेशन का ले सकते हो, मार्केट के अंदर बहुत सारे अवेलेबल हैं। अगर अभी तक किसी का आप लोगों के पास में नहीं है तो आप किरण पब्लिकेशन का भी एक कंपाइलेशन आता है, दिसंबर 2023 तक का ये अपडेटेड है। सारे लेटेस्ट क्वेश्चन इसके अंदर इन्होंने इंक्लूड करके डाले हुए हैं,
जितने भी टीसीएस के अंदर क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सारे इसके अंदर इंक्लूड हुए हैं। ये मोटी लगेगी आप लोगों को डेफिनेटली बुक, बट मैं अपने साथ में जब आप लोगों को प्रैक्टिस कराऊंगी तो डेफिनेटली आप लोग इसको कंप्लीट कर पाओगे। तो आप लोगों को इंग्लिश की और मैथ की दो बुक तो जरूर से लेनी है। किरण पब्लिकेशन की दोनों की अवेलेबल है, किसी और का भी आपको लेना है तो आप उनके साथ में भी जा सकते हो, कोई मेरे को ऐसा ऑफेंस नहीं है। मैं आप लोगों को क्वेश्चंस दूंगी 1 से 50, तो 1 से 50 आपको किरण से करो, किसी और बुक से करो, मुझे कोई मतलब नहीं है। सिर्फ आप लोगों को 50 क्वेश्चन प्रैक्टिस करने होंगे प्रीवियस ईयर के। उसके बाद में अगर आप रीजनिंग और जीएस की भी साथ में आपको लगता है कि हाँ आप बहुत अच्छे से एफर्ट डाल पाओगे तो वो बुक आप ले सकते हो, वो भी दोनों किरण पब्लिकेशन की अवेलेबल है। जो उनके बुक के कवर पेज हैं वो मैं स्क्रीन के ऊपर ऐड करवा दूंगी और उनके जो बेस्ट बाइंग लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डलवा दूंगी। जो भी ईयर की बुक आप लोगों के पास में होनी ही होनी चाहिए। उसके साथ में एक सेकंड चीज और आप लोगों को जरूरी रहेगी, वो होगी आपका टेक्स्ट बुक का पास प्रो। टेक्स्ट बुक का पास प्रो वाला वर्जन आप लोगों को चाहिए होगा, क्योंकि टेस्ट भी मैं आपको वहीं से दूंगी, सेक्शनल मॉक भी, मिनी मॉक भी, और जो क्विजेस वगैरह है वो सारी चीजें मैं आप लोगों को वहीं से सोल्व करवाऊंगी। तो अगर किसी के पास में टेस्ट बुक का पास प्रो नहीं है तो फिलहाल एक सेल चल रही है, आप लोग जाके ले सकते हो। अगर आप DSSC कूपन कोड यूज करोगे तो एक्स्ट्रा आपको 12% का डिस्काउंट मिल जाएगा, और जो भी बेस्ट प्राइस होगा आप लोगों के लिए वो आप लोगों को मिल जाएगा। स्क्रीन के ऊपर भी मैं आप लोगों को शो कर दूंगी क्रिएटिव कैसे कौन सा प्राइस चल रहा है और क्या क्या चीजें आप लोगों की है। तो आप लोगों को टेस्ट बुक का पास प्रो ले लेना है। ये सेल आज ही खत्म हो जाएगी आप लोगों की, तो आज ही आप लोगों को कोशिश करनी है कि आप ले लो प्रीवियस ईयर की बुक और साथ में आपका जो टेस्ट बुक का पास प्रो वाला वर्जन है वो। दो चीजें आप लोगों की हो गई। उसके साथ में कुछ बुक्स हम यूज करेंगे जो इंग्लिश की प्रैक्टिस के लिए अलग से यूज करेंगे। इंग्लिश की प्रैक्टिस के लिए क्लोज टेस्ट और PQRS की हम जो चीजें होती है उनके लिए बुक्स यूज करेंगे, तो वो बुक हम यूज करेंगे नियॉन पब्लिकेशन की। नियॉन पब्लिकेशन की क्लोज टेस्ट की भी बुक आती है, पैसेज की भी आती है और PQRS की भी आती है। अगर कोई ऐसा है जो अफोर्ड नहीं कर सकता है तो सारी बुक्स के जो PDFs हैं वो मैंने ऑलरेडी चैनल के ऊपर डाल दिए हैं और एक बार से फिर से डाल दूंगी। सारी बुक्स के PDFs भी अवेलेबल हैं। कोई ऐसे है कि मुझे PDF से नहीं बुक से पढ़ना है तो आप क्लोज टेस्ट और PQRS की बुक्स आप ले सकते हो। पैसेज की हम जब हमारा मेंस आएगा उस टाइम के ऊपर देख लेंगे। तो अभी क्लोज टेस्ट और PQRS की आप लोग नियॉन पब्लिकेशन की बुक्स ले सकते हो। उसके साथ साथ में एक और बुक हम यूज करेंगे, वो होगी स्टैटिक जीके की। स्टैटिक जीके के अंदर उसकी भी मैं आप लोगों को PDF प्रोवाइड करवा दूंगी। गॉडफादर की जो बुक है नियॉन पब्लिकेशन की वही यूज करेंगे, उसकी PDF भी आप लोगों के लिए अवेलेबल है, तो आप उस PDF से भी जाके कर सकते हो। अगर बुक परचेज करना चाहते हो तो आप नियॉन पब्लिकेशन की बुक ले सकते हो। करंट अफेयर्स के लिए मैं आप लोगों को फ्री सोर्सेज अवेलेबल करवा दूंगी, टेलीग्राम चैनल के ऊपर ही सारी चीजें ये आप लोगों के लिए अपलोड होंगी। बाकी जो भी चीजें होंगी वो टाइम टू टाइम अपडेट करती रहूंगी। मेजरली जो चीजें रहेंगी वो रहेगी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करेंगे, एक मॉक टेस्ट लगाएंगे, ऑलमोस्ट कोशिश करेंगे हम डेली ही एक मॉक टेस्ट दें, उसके एनालिसिस करें और उसके साथ साथ में अपना जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो कंप्लीट करें। जिस भी टीचर से आपने कॉन्सेप्ट पढ़े हुए हैं उनके नोट्स आप लोगों के पास में अवेलेबल होंगे, अगर नहीं है तो आप लोग वो ले लीजिए। उसके साथ साथ में हाँ, इंग्लिश की एक और बुक हमें चाहिएगी, वो होगी नीतू सिंह मैम की। अगर किसी के पास में नोट्स अवेलेबल नहीं है तो आप नीतू सिंह मैम की जो Volume 1 वाली बुक है वो अवेलेबल आपके पास में जरूर होनी चाहिए। उसमें से हम जो प्रीवियस जो चैप्टर्स है वो करेंगे। उसके साथ साथ में आप लोगों के लिए एक फॉर्मूला की नोटबुक आप लोगों के पास में होनी चाहिए। अगर नहीं है तो अभी जो आपके पास में टाइम है इसके अंदर बना लो फॉर्मूला की। अगर कोई बुक ले सकते हो तो वो ले लो, अदरवाइज जितने भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं वो अपनी एक कॉपी में लिख लो और डेली उनको रिवाइज करना स्टार्ट कर दो। जो मैथ्स की स्ट्रेटेजी वाली वीडियो है उसके अंदर भी मैंने आपको बताया था कि कैसे कैसे आपको उनको करना है, तो आप उस वीडियो से भी जाके देख सकते हो कैसे आप लोगों को फॉर्मूला बुक मेंटेन करनी है, या फिर आप अपने आप से बना सकते हो। किसी की बुक भी आप परचेज कर सकते हो। उससे अलग बहुत ज्यादा रिसोर्सेज हम यूज नहीं करेंगे, बहुत ही लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ में अपनी जो तैयारी है वो स्टार्ट करेंगे। अभी आपकी जो एक क्वेश्चन होगा कि कब स्टार्ट होगा, कैसे स्टार्ट होगा, कैसे फॉलो करना है। सबसे पहली चीज जो ये आप लोगों का स्टार्ट होगा वो होगा मंडे से। मंडे आज अभी थर्सडे है, मंडे को आप लोगों का ये स्टार्ट होगा, तो संडे की रात को आप लोगों को जो अपना स्टडी प्लान है वो मिल जाएगा और मंडे की सुबह से आप लोगों को उसको फॉलो करना होगा। डेली सेम ही चीज रहेगी, जो पहले वाला दिन होगा उसको शाम को मिल जाएगा और अगले दिन आपको पूरा करना होगा। जिन लोगों का पूरे टाइम के अंदर थोड़ा बहुत छूट जाएगा उसको सैटरडे या संडे, मेजरली मैं संडे को दूंगी, कभी कभार सैटरडे संडे दोनों भी दिन दे दिए
दिए जाएंगे, उसके अंदर आप लोगों के जो बैकअप वाले चीजें रहेंगी उनको आप कवर कर लीजिएगा, अदरवाइज रेस्ट कीजिएगा और अपनी रिवीजन कीजिएगा। मेजरली इतनी ही चीजें आप लोगों के जो ये स्टडी प्लान है इससे रिलेटेड होने वाली है। अगर कोई और डाउट बच गया तो कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, आप पूछ सकते हैं। बाकी जो भी चीजें आप लोगों को जाननी है, पूछनी है, कमेंट सेक्शन, यूट्यूब, टेलीग्राम, इंस्टा, सारी चीजें आप लोगों के पास में अवेलेबल है, आप मेरे से कॉन्टेक्ट कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।